विजयी प्रत्याशी डॉक्टर सुनील पटेल बीजेपी की शौर्य न्यूज इंडिया से खास बातचीत। वाराणसी के रोहनिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जीत हासिल करने के बाद पहुंचे रोहनिया बीजेपी कार्यालय, दिए कार्यकर्ताओं को जीत का धन्यवाद। बोले कि रोहनिया विधानसभा के सभी दर्शकों के बीच जाएंगे और सबकी मुसीबत में खरे उतरेंगे और रोहनिया के सभी दर्शकों को धन्यवाद भी दिया। अभी तक आप चुनाव जीते हैं, ये चुनाव का सबसे बड़ा ईओ किसको देना चाहेंगे, श्रेय इसका किसको देना चाहेंगे? पहली बात तो सर्वप्रथम मैं रोहनिया विधानसभा सभी सामान्य जनता को वोटरों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप पटेल जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आपके द्वारा ये जीत मिली है और मैं आप सभी से विश्वास दिलाता हूँ हम रोहनिया विधानसभा के सभी सामान्य जनता के साथ सेवा भाव से काम करेंगे। सर, आप आज जीत का जश्न मना रहे हैं और जनता के बीच पहला काम क्या रहेगा? हम लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी अपना दल के और निषाद पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बदल बैठे हैं, हमारे बड़े भैया विश्वकर्मा जी, हमारे डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी जिला अध्यक्ष बैठे हैं। हम आप लोगों के राज से जो भी हम लोगों का जनता में मुख्य काम जो जिसकी उपयोगिता ज्यादा रहेगी उसको करने का प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि सुरेंद्र नारायण पटेल जी कहे थे कि योगी और मोदी जी को हमारे खिलाफ लड़ा दीजिए, अगर हार जाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, क्या कहेंगे? विवेक, शांति नहीं है भैया, तो उनके रिजल्ट उनके सामने आ ही गया। सर, अभी तक अखिलेश जी चिल्ला रहे थे अगले बार चुनाव में कि ईवीएम मशीन खराब है, कोई भी बटन दबाइए तो बीजेपी को ही वोट पड़ता है, इसके इजी भाई उनको कौन सा बहाना मिला है? अखिलेश जी तो अनायास प्रयास कर रहे थे, वो तो पहले से तय था कि हरा लोगी। धन्यवाद सर।